हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ अच्छे ही होंगे। कल मैंने आपको सेल और विल के उपयोग, रूल, नोट बताए। आज मैं आपको वुड के रूल और नोट्स बताऊंगी। रूल नंबर 1 है, वुड का प्रयोग पास्ट हैबिट को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। एग्जांपल है, आई वुड गो टू स्कूल बाय बस। रूल 2 है, वुड का प्रयोग प्रिफ्रेंस, पसंद और प्राथमिकता, या च्वाइस, पसंद या प्राथमिकता को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। सामान्यतः ऐसे वाक्यों में रेदर का भी प्रयोग होता है। जब दोनों विकल्प का उल्लेख हो तो देन का भी प्रयोग होगा। एग्जाम्पल है, ही वुड रेदर डाई देन बैग। 2 है, आई वुड रेदर टेक टी। रूल 3 है, अगर वाक्य का आरंभ पास्ट से हो तो वाक्य आगे पास्ट में ही रहेगा। और विल का पास्ट टेंस वुड होता है। एग्जाम्पल, ही होप्ड दैट ही वुड पास। अब रूल 4 है, वुड, यूज्ड टू एवं सिंपल पास्ट टेंस तीनों का प्रयोग भूतकाल के रूटीन एक्शन को दर्शाने के लिए भी किया जाता है, लेकिन वुड का प्रयोग पास्ट रूटीन के लिए तब ना करें जब वर्ब स्टेटिव यानी अवस्था दर्शाने वाला हो, जैसे बी, नो, लव, etc. या फिर शुरुआत में कोई पास्ट एक्शन का उल्लेख ना हो। जैसे एग्जाम्पल है, आई यूज टू गो टू स्कूल बाय बस, आई वुड रिटर्न ऑन फुट, वी प्लेड 4 hours बिफोर रिटर्निंग होम। 2 है, आई वुड लव चॉकलेट व्हेन आई वाज किड, ये गलत है। 3 है, इसका मतलब सही है, आई वुड गो टू स्कूल बाय बस व्हेन आई वाज अ किड, ये इसका सही रूप है। रूल नंबर 5 है, वुड का प्रयोग प्रेजेंट या पास्ट के कोरी कल्पना को व्यक्त करने वाले वाक्यों के प्रिंसिपल क्लॉज में होता है। एग्जांपल है, इफ आई वेयर अ वर्ल्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई। नोट है इसका, अगर वाक्य काल्पनिक पद से संबंधित हो तो सभी सब्जेक्ट के साथ वेयर का प्रयोग करें, जैसे आई विश आई वेयर अ वर्ल्ड। 2 है, इफ आई वेयर यू आई वुड नेवर ट्रस्ट हिम। अगर वाक्य पास्ट से संबंधित हो तो हैड बीन का प्रयोग होगा, तब सेंटेंस का फॉर्मेशन भी अलग होगा, जैसे इफ आई हैड बीन अ डॉक्टर आई वुड हैव हेल्प्ड देम। निम्नलिखित शब्दों से वाक्य के काल्पनिक होने का आभास होता है, इनके साथ वज का प्रयोग नहीं होगा। एग्जाम्पल, आई विश एस थ्रो इफ एस इफ वुड दैट एवं सपोज। रूल नंबर 6 है, वुड का प्रयोग विल के पास्ट फॉर्म के साथ के रूप में इनडायरेक्ट स्पीच में होता है, जैसे एग्जाम्पल, ही सैड ही विल गो देयर, ये डायरेक्ट सेंटेंस है। इनडायरेक्ट है इसका, ही सैड दैट ही वुड गो देयर, ये इनडायरेक्ट है। रूल 6 है, वुड का प्रयोग पोलाइट रिक्वेस्ट को व्यक्त करने के लिए प्रश्नात्मक वाक्यों में होता है, जैसे वुड यू हेल्प मी। कल मैं आपको इससे आगे सूट का प्रयोग, रूल एवं नोट्स बताऊंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइज। प्लीज गाइज, मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।